राजस्थान के बाड़मेर में एक स्कूल में संचालक ने राष्ट्रगीत पर वर्षों से बैन लगाया था। ये मामला जिले के सरहदी गांव पांधी कपार में संचालित हो रही एमवीएम रेगिस्तान पब्लिक स्कूल का है, जिसको शिक्षा विभाग ने इस आधार पर मान्यता दी थी कि इस स्कूल में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। लेकिन स्कूल में चल रहे शिक्षा पाठ्यक्रम पर नजर डाले तो ये स्कूल नहीं बल्कि मदरसा नजर आता है। मदरसे की तर्ज पर चल रहे इस स्कूल के संचालक मोहम्मद अजहर के मुताबिक धर्म इजाजत नहीं देता, इसलिए वंदे मातरम नहीं गाते। इससे पहले इलाहाबाद में भी एक स्कूल में राष्ट्रगान पर बैन लगाए जाने का मामला सामने आ चुका है, जहां राष्ट्रगान पर प्रतिबंध मजहब के आधार पर लगाया गया और इसके विरोध में प्रिंसिपल समेत 8 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर दिया गया। और भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म विशेष की शिक्षा देने के विरुद्ध है, और यदि कोई ऐसी शिकायत आई जाती है कि किसी हिंदू बच्चे को कुरान की जबरदस्ती शिक्षा दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रगीत इस वजह से कि वंदे मातरम यानी भूमि के लिए भूमि की पूजा करना हमारे धर्म जायज नहीं है।